आज मैं मुद्दे की बात करूंगा और ध्यान से सुन लेना, और सच सुनने की हिम्मत नहीं होगी ना दोस्त तो सीधे वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाइए। मैं सबसे पहले आपके कल तक के दिन के बारे में बात करूंगा। आप सुबह आराम से सोकर उठे और उठने के बाद आराम से सोशल मीडिया में देखोगे कि किसने क्या पोस्ट डाली, किसका मैसेज आया, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे जाने के बाद कितने देर तक ऑनलाइन था और कितने देर तक ऑनलाइन थी, चलो गेम खेल लेता हूँ, टिकटॉक देख लेता हूँ। जब बिस्तर पर पड़े पड़े 1 से 2 घंटे तक बेवकूफ़ी कर लोगे फिर आराम से उठोगे और तैयार होकर दिमाग लगाओगे कि आज क्या करूँ, किससे बात करूँ, पबजी खेलूँ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाऊँ, चलो सिगरेट पी लेता हूँ, चलो लड़कियों के साथ राउंड मार के आता हूँ, आज शाम में नशा करने का मूड है, मूवी देखने का मूड है। और फिर दिन भर किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे दिमाग लगाओगे जो आपको घास तक नहीं डालता होगा, और इन्हीं सब बेवकूफ़ियों में पूरा दिन बीत जाएगा और फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, पूरे दिन की ऐसी की तैसी कर दी भाई तुमने, बहुत खूब, क्या बात, बहुत अच्छी बात है, हर दिन का तुम्हारा यही प्लान है। और सो के उठने के बाद बेतुकी चीज़ें करने में दिमाग लगाओ और अपने पूरे दिन की ऐसी की तैसी कर दो। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे दोस्त, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे तो केवल 2 लोगों को फ़र्क पड़ेगा, पहला आपको और दूसरा आपके माँ बाप को, और तीसरा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी भी रहो, जिस हाल में रहो, कुछ भी करो, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। कल तक जो भी हुआ छोड़ो, अगर अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने जीवन को 2 दिन का टाइम दो, और ये 2 दिन किसी के साथ नहीं केवल अपने साथ रहो। इस 2 दिन में फैसला करो कि मुझे यूं ही बेवकूफ़ों की तरह जीवन जीना है या मुझे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए। 2 दिन उन सभी चीज़ों से दूर हो जाओ जो आपकी दिन को बर्बाद कर रहा है, और इस 2 दिन में फैसला करो कि आखिर आपको जीवन में क्या करना है। अब कुछ लोग सोचेंगे मैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उससे 2 दिन बात कैसे बंद करूँ। सुनो मेरी बात, किसी का टाइम पास बनने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला व्यक्ति सिर्फ तुमसे अपना टाइम पास कर रहा है। अगर उसका सच्चा प्यार होगा तो आपको आपके करियर बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। आजकल लोग अपना टाइम पास करने के लिए आपके दिन को बर्बाद कर देते हैं और उसे प्यार का नाम देते हैं, और आप भी बेवकूफ़ बनते चले जाते हो। सच्चा प्यार वही है जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे, बाकी सब टाइम पास है। और दोस्त, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की मुझसे बात क्यों नहीं करती, या वो लड़का मुझसे बात क्यों नहीं करता, वो मुझे भाव क्यों नहीं देती, या मुझे वो भाव क्यों नहीं देता। भाड़ में जाए वो लड़का और भाड़ में जाए वो लड़की, अपना करियर बनाने पर ध्यान दो दोस्त। अगर तुम लायक रहोगे तो लड़का और लड़की तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा, और अगर तुम उस लायक हो ही नहीं तो सामने वाले को जितना रोकने की कोशिश करोगे वो आपको उतना ही तुच्छ समझेगा। भाड़ में जाए सारे लोग और सारे बेतुके काम, 2 दिन सिर्फ अपने आप को समय दीजिए और 2 दिनों में अपने जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए। आज के दिन को इतने बेहतरीन तरीके से मेहनत करके जियो कि आज की रात अपना सीना तान कर सो पाओ कि मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से कर दी है। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके लाइक शेयर से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन खुशी ज़रूर मिलेगी। 14 से 25 की उम्र, ये एक ऐसी उम्र है जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा हो, कब क्या कैसे करना है ये सारी चीजें 14 से 25 की उम्र डिसाइड करती है। अगर आप एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तो इन सबका डिसीजन 14 से 25 की उम्र में ही हो जाता है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हो। और हाँ, एक चीज और, इस उम्र में गर्लफ्रेंड बनाने का मन करता है, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाकर आगे तक ले जा रहे हो, लाइफ टाइम एक ही लड़की को प्यार करते हो, तो सही है। फिर अगर तुम सिर्फ गर्लफ्रेंड ही बना रहे हो, एक को बनाया एक को छोड़ा, अगर तुम्हारा यही पैसा है, तो तुम मेरी एक बात याद रखना, कल वही लड़कियां तुम्हारे कटोरे में सिक्के डालेंगी। और हाँ, ये बात लड़कियों पे भी लागू होती है, इसीलिए बोला जाता है कि 14 से 30 की उम्र में ऐसे काम करो जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहो तो सफल बन के रहो, लोगों के लिए मिसाल बनो यार, लोग तुमसे सीखे ऐसे बनो यार। तो अब मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। फर्स्ट नंबर है, फॉलो योर ओन पाथ, अपने बनाए रास्ते पर चलो, दूसरों की सुन लो, क्योंकि लड़ाई की नहीं जा सकती, इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एज में हमसे बड़े हैं, तो सुन लो बस, लेकिन करो वही जो तुमने सोचा है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं लेकिन साथ कुछ से भी कम लोग देते हैं, इसीलिए हमेशा अपने बनाए रास्ते पर चलना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट है, डोंट थिंक,
टू मच अबाउट यूजलेस थिंग, फालतू चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। ये जो एज होती है 14 से 25, ये बहुत छोटा समय होता है। अगर आप फालतू चीजें सोचोगे तो ये एज निकल जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारे माइंड को ऊर्जा दे। तुम सोचते हो कि खाना खा लिया, शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी, अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तो आप गलत सोच रहे हो। जब तक अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे, जब तक माइंड को ऊर्जा नहीं दोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए फालतू बातें छोड़कर माइंड को अच्छी बातें बताओ, उसके बाद फिर अपने अंदर के चेंजमेंट को देखना। अब तीसरा पॉइंट है टेक अ रिस्क, रिस्क लेना सीखो। अब तुम्हारा मन है बिजनेस करने का। अब तुम सोच रहे हो कि अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो फैमिली वाले मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, लेक्चर देंगे। अब तुम यही सोचते सोचते अपनी फैमिली के दबाव में आके एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करने लगते हो। पता, 100 में से 90% लोग फैमिली के दबाव में आके काम करते हैं, तभी इतनी बेरोजगारी है हमारे इंडिया में। इसीलिए कहा जाता है रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो यार रिस्क लेना सीखो। तो यार मैंने 3 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप 3 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप लाइफ में बहुत हो। तो यार फिर से उन 3 पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट है फॉलो योर ओन पाथ, अपने बनाए रास्ते पर चलें। सेकंड पॉइंट है डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग, फालतू चीजों के बारे में ज्यादा मत सोच। का रिस्क, अपने जीवन में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम होश में हो तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो और इस वीडियो से सीखो। स्वामी विवेकानंद, ये एक ऐसा नाम है जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जब भी मैं इनका नाम लेता हूँ तो मेरी आत्मा कहती है कुछ सीखो इनसे। जब लोग भारत को सपेरों का देश के नाम से जानते थे, तब स्वामी विवेकानंद ने भारत की एक अच्छी छवि बनाई लोगों के दिल में। एक लड़का अमेरिका जाता है और एक ऐसी स्पीच देता है कि उसे पूरी दुनिया जानने लगती है। ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब एक दिन में हो गया? नहीं, पहले उस व्यक्ति के अंदर इच्छा जगी होगी सीखने की। और आजकल के लड़कों के अंदर क्या इच्छा जागती है? सिगरेट पीने की। उनसे कुछ मतलब नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है, और वो पता भी नहीं करना चाहते क्योंकि अगर पता चल जाएगा हम कैसे हैं तो हमें अपने आप पर शर्म आएगी। इसीलिए वो जानना ही नहीं चाहते, वो बेहोशी में ही जीना चाहते हैं। अरे थोड़ा बेहोशी से बाहर निकलो, अपने आप को पहचानो। तुम जो भी बेहोशी में कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये जान लो, तुम्हारी बेहोशी दूर हो जाएगी। अरे स्वामी विवेकानंद के अंदर तलब थी ज्ञान प्राप्त करने की, तब जाके वो स्वामी विवेकानंद बने। क्या तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की तलब है? अरे तलब तो छोड़ो, तुम ज्ञान का ज्ञा भी नहीं जानना चाहते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम भगवद गीता पढ़ने से अच्छा है फुटबॉल खेलो, क्योंकि वे जानते थे पढ़ने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि मजबूत होनी चाहिए, तर्क करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था फुटबॉल खेलो, क्योंकि जब तुम फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तब तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होगी और तब तुम्हारी बुद्धि कुछ सीखने के काबिल बनेगी। पूरा दिन दोस्तों से भद्दे मजाक करना, और अगर लड़की के चक्कर में फंसे हो तो रोमांटिक बातें करना, और अगर अकेले बैठे हो तो उन्हीं भद्दी और रोमांटिक बातों को सोचना। क्या यही सब काम है तुम्हारे पास? कभी कभी पूछा करो अपने आप, क्योंकि इससे तुम्हारे दिमाग पर बहुत गंदा असर पड़ता है, क्योंकि इन बातों का वो आदी हो चुका है तो उसके अंदर अच्छी बात घुसेगी कहां से। इसीलिए सुबह उठा करो 6 बजे के पहले और एक्सरसाइज किया करो, ताकि तुम्हारा धूर्तपन कम हो और तुम गीता को अच्छे से समझ सको। और गीता को ही नहीं बल्कि हर चीज को सही से समझ सको, उसका सही मतलब जान सको। और ये सब तभी मुमकिन है जब तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक होगा। अगर आप सड़ा गला खाना खाओगे तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा, और अच्छा खाना खाओगे तो आपका शरीर मजबूत तेजवान होगा। उसी प्रकार दिमाग भी होता है। अपने आप से पूछना कि तुम दिन में कितनी बार अपने माइंड को अच्छी खुराक देते हो, और इसका रिजल्ट आएगा 0। इसीलिए आज से प्रण करो कि अपने माइंड को सही भोजन दोगे, अच्छे विचारों से भरोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अधिकांश काम 25 की उम्र तक निपटा दिए थे। हम लोग जो काम 50 से 60 साल की उम्र में करते हैं, वो काम स्वामी विवेकानंद जी ने 25 साल की उम्र में ही निपटा दिए। तो ये होती है असली जवानी, ऐसे तुमको भी बनना है। 25 की उम्र तक अधिकांश काम अपने जीवन के निपटा दो। और अगर सच्चाई देखी जाए तो 25 साल की उम्र में अधिकांश युवा इधर उधर भटका करता है नौकरी के लिए। वो पढ़ता इसलिए नहीं है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो पढ़ता इसलिए है कि उसे नौकरी मिल जाए, और वो नौकरी के प्रेशर में ही पढ़ता है। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ऐसे पढ़ो कि पढ़ने में ही मजा है, और एग्जाम एग्जाम की सोचो ही मत। अरे जब अच्छे से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा। और यहाँ पर मजे का मतलब है कि तुम्हें तनाव नहीं होना चाहिए, तुम्हें डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, तुम शांत मन से एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सको और उसी में अपनी खुशी ढूंढ सको। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपको याद दिलाना है कि आप जिस लेवल पर हो उस लेवल से आगे भी बढ़ सकते हो। जब भी आप स्वामी विवेकानंद या फिर कोई अन्य महापुरुष को पढ़ो तो उनको पढ़ो ही मत, उनसे सीखो भी, और उनके द्वारा कही गई बातों के गहराइयों में जाया करो। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है तुम ये जानते ही नहीं हो, लेकिन चोट खाने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए अपने बल को पहचानो। अगर आपको हमारी बातों में कुछ अच्छाई दिखती हो तो ऐसी और चीजें सीखने के लिए हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक सुनने और समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 गलतियां बताऊंगा जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, प्यार बेशक करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो इसे आज ही खत्म कर दीजिए और शारीरिक संबंध तो बिल्कुल ना बनाएं। दूसरा पॉइंट है, समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। तीसरा पॉइंट है, नशे से जितना हो सके दूर रहें, और यदि कोई आपका दोस्त भी नशा करता है तो उसको समझाइए, अन्यथा उससे भी दूरी बनाइए। चौथा पॉइंट है, अपने परिवार के लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं तो आप जरूर कभी न कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी न होने दें, नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान करें और ओवरथिंकिंग बंद करें। सिक्स पॉइंट है, खुद को किसी विशेष स्तर पर एक्सपर्ट बनाएं, ये आपको भविष्य में बहुत काम आए। लास्ट पॉइंट है, इस उम्र में इंसान का मोटिवेट रहना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए रोजाना एक मोटिवेशन स्पीच जरूर सुने और उसे समझे भी। आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम 1-2 वीडियो रोज अपलोड करते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी आपको ये वीडियो, स्त्री को छूना मत, स्त्री को सोचना भी मत, और वीर का नाश तो बिल्कुल मत करना, गंदी फिल्में तो देख मत लेना, इतने सारे बंधन। एक गहरी बात समझो, अगर सेक्स गलत है तो क्रोध करना भी गलत है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो सामने किसी व्यक्ति के ऊपर करते हैं और मन से करते हैं, सारी नसें खिंच जाती हैं, यानी हमारा नुकसान होता है और हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। तो जब हम सेक्स करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से करते हैं और इसमें भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, तो इसमें अंतर क्या निकला? दोनों जगह बराबर अंतर है, ऊर्जा इसमें भी नष्ट हुई, ऊर्जा उसमें भी नष्ट हुई। तो फिर हमने सेक्स को इतना ज्यादा अपने ऊपर क्यों चढ़ा रखा है? क्रोध हम सबके सामने करते हैं लेकिन सेक्स नहीं करते, सेक्स के लिए हम कोना ही ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको इतना ज्यादा गंदा कर दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबके सामने सेक्स करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सबके सामने क्रोध करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो हम इतना ज्यादा सेक्स को क्यों पाप मानते हैं? अगर ये पाप है तो फिर हम सब पापी हैं, क्योंकि हम सब इसी से पैदा हुए हैं। ब्रह्मचर्य का इतना गलत अर्थ लोगों ने बता दिया है कि कभी कभी लगता है कि ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं या फिर सेक्स के बारे में बता रहे हैं। अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ब्रह्मचर्य क्या है। कोरिया में 2 फकीर हुए थे, मैंने उनके जीवन के बारे में पढ़ा था। 2 बिच्छू एक दिन शाम अपने आश्रम वापस लौट रहे थे, उनमें एक बूढ़ा बिच्छू था और एक युवा बिच्छू था। आश्रम के पहले ही एक छोटी सी पहाड़ी नदी पड़ती है, शाम हो गई है, सूरज ढल रहा है। एक स्त्री खड़ी है उसी नदी के किनारे, क्योंकि उसे भी नदी पार करना था और वह डर रही थी, क्योंकि वह उस नदी से अनजान थी, परिचित नहीं थी, पता नहीं कितनी गहरी हो, इसीलिए भयभीत थी। वह बूढ़ा बिच्छू आगे आगे जा रहा था और उसको समझ में आ गया था कि वह स्त्री नदी पार करने के लिए किसी का सहारा चाहती है। उस बूढ़े बिच्छू का मन हुआ कि हाथ का सहारा देकर उसे नदी पार करवा दे, और जैसे ही उसने ये सोचा उसके प्राण कांप गए, उसकी नस नस में बिजली दौड़ने लगी, क्योंकि 30 वर्षों से उसने स्त्री को नहीं छुआ था। फिर अचानक उसने अपने मन को समझाया कि कैसी गंदी पाप की बात सोची मैंने, मुझे क्या मतलब कोई नदी पार हो या ना हो, मुझे क्या प्रयोजन है, मैं अपना ब्रह्मचर्य क्यों नष्ट करूं, अपनी साधना क्यों बिगाड़ूं, इतनी कीमती 30 वर्ष की साधना इस लड़की पर लगा दूं? नहीं, आंख बंद कर ली उसने, लेकिन वह स्त्री तो आंख बंद करने के बाद भी दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि मन जाग गया था, सोई हुई वासना जाग गई थी। अब वह बिच्छू उस स्त्री को देख रहा था, अब एक ड्रीम, एक सपना शुरू हो गया था। उसका एक मन कहता कि यह तो बड़ी बुरी बात है कि किसी असहाय स्त्री को सहारा ना दो, फिर तत्काल उसका दूसरा मन कहता कि यह सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने की तरकीब है, यह सेवा नहीं है, तुम स्त्री को छूना चाहते हो। अब वो स्त्री सामने खड़ी उस बेचारी को पता भी नहीं कि साधु किस मुसीबत में पड़ गया है, वह अपने रास्ते पर खड़ी है। तभी साधु को ख्याल आया कि पीछे उसका जवान साधु कहाँ है, लौट कर उसने देखा कि उसको सचेत कर दें कि वह कहीं उस पर दया करने की भूल में न पड़ जाए, लेकिन लौट कर देखा तो भूल हो चुकी थी। वह जवान बिच्छू उस औरत को कंधे पर लिए नदी पार कर रहा था, यह देखकर आग लग गई उस बूढ़े साधु को, और फिर उसका एक मन कहता कि अच्छा होता अगर मैं उसे अपने कंधे पर उठाए होता। फिर उसके दूसरे मन ने कहा, यह क्या पागलपन की बात है, मैं और उस औरत को कंधे पर ले सकता हूँ, 30 साल की साधना नष्ट करूंगा। लेकिन वह दूसरा बिच्छू लिए आ रहा है, और उस बूढ़े बिच्छू ने सोचा, आज जाकर गुरु को कहूंगा कि यह युवक भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया है, इसे निकालो आश्रम के बाहर। अब उस जवान बिच्छू ने उस स्त्री को किनारे पर छोड़ दिया और अपने रास्ते चल पड़ा। फिर वे दोनों चलते रहे, लेकिन बूढ़े ने कोई बात न की। जब वे आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे थे तो उस बूढ़े बिच्छू ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, याद रखो, मैं चलकर गुरु को कहूंगा कि तुम पतित हो चुके हो, तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया। वह बिच्छू एकदम चौंक गया, उसने कहा, स्त्री, उसे मैंने उठाया था और नदी पार छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, अभी भी ढो रहे हैं आप उसे अपने कंधे पर, मैं तो उतार आया,
और आपने तो उसे कंधे पर कभी लिया भी नहीं था, लेकिन ढो अभी तक रहे हैं। मैं तो उतनी देर से सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लीन हैं, लेकिन आप तो उस युवती का ध्यान कर रहे थे। ऐसे ब्रह्मचर्य का क्या फायदा, मन में स्त्री चल रही है और ऊपर से दिखावा कर रहे हो। वह ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं जिसमें स्त्री और पुरुष ना मिट गए हों। एक ब्रह्मचारी के लिए क्या स्त्री क्या पुरुष सब समान है। ब्रह्मचारी वही है जो सब में ब्रह्म को देखे। उसके लिए सब ब्रह्म है, स्त्री भी ब्रह्म है, पुरुष भी ब्रह्म है। जो सब में ब्रह्म को देखे वही ब्रह्मचारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो कैसे हैं भाई लोग, भाई लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे कुछ अननोन फैक्ट अबाउट वुमेन, लड़कियों के कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला, मेंस्ट्रुएटिंग। मेंस्ट्रुएटिंग मतलब पीरियड से रिलेटेड होता है। ज़्यादातर लड़कियों में मेंस्ट्रुएटिंग बहुत कम एज से स्टार्ट हो जाता है, लाइक टीन एज में, और अगले 50-60 सालों तक मंथली बेसिस में होता रहता है। एक एवरेज लड़की 9 साल बिता देती है इस मेंस्ट्रुएटिंग प्रोसेस में, जिसका मतलब हुआ 3500 दिन अपनी ज़िंदगी के। दूसरा है ड्रीमिंग, सपने देखना। रिसेंट स्टडी के मुताबिक लड़कों के कंपैरिजन लड़कियों को ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स, और लड़कियों को ज़्यादा इमोशनल सपने आते हैं लड़कों के कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। तीसरा है बातूनी, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बात करती हैं, ये बात तो जग जाहिर है। साइंटिफिक प्रूवन है कि लड़कियाँ एक दिन में करीब 20,000 वर्ड बोलती हैं, जहाँ लड़की एक दिन में सिर्फ 13,000 ही वर्ड बोलते हैं। चौथा, कपड़े डिसाइड करना। अब अगर आप अपने ही घर में नज़र दौड़ाएंगे तो पाओगे कि आपकी बहन या मम्मी के पास हद से ज़्यादा कपड़े होंगे। ऐसे भी कपड़े होंगे जिन्हें उन्होंने कभी हाथ ही नहीं लगाया है। स्टडी के हिसाब से ऑन एवरेज लड़कियां अपनी ज़िंदगी का 1 साल इसमें खर्च कर देती हैं कि क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए। पाँचवा, झूठ बोलना। लड़कियां कम झूठ बोलती हैं, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर यही सच है, लड़कियां कम झूठ बोलती हैं। जहां लड़के ऑन एवरेज एक दिन में 6 बार झूठ बोलते हैं, वहीं लड़कियां उसका आधा यानी कि 3 बार झूठ बोलती हैं। छठा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बात करें तो लड़कों को हार्ट अटैक आने से पहले छाती में दर्द होता है या बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, और लड़कियों को हार्ट अटैक आने से पहले उन्हें थोड़ी बेहोशी महसूस होती है और शोल्डर में पेन होता है। सातवां, 69 चिल्ड्रन टू वन मदर। एक माँ के हैं 69 बच्चे, जो कि रशिया में रहती थी सन 1700 में, और ये 69 बच्चे पूरे 27 प्रेगनेंसी के बाद हुए, जिसमें 16 सेट ट्विंस के, 7 सेट ट्रिपलेट्स के और 4 सेट क्वाड्रपलेट्स के हैं। आठवां, वुमेन्स बॉडी लैंग्वेज, लड़कियों की शारीरिक भाषा। लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे अगर लड़की सीधी खड़ी है और अपने दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है तो समझ लो कि वो आपसे रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। अगर लड़की हाथ बांधकर खड़ी है तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में। और अगर लड़की के कंधे झुके हुए हैं और हाथ सीधे हैं तो वो सिर्फ दोस्ती के लिए तैयार है। नौवां, ड्राफ्टिंग वुमेन इन मिलिट्री, लड़कियों को ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती करना। ज़्यादातर देशों में लड़कों को ही ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती करते हैं, वो भी सिर्फ वॉर टाइम पे। इज़राइल एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़कियों को भी ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती किया जाता है। अब देखो, मैंने बहुत कुछ बताया लड़कियों के बारे में, और बदले में मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि लड़कियाँ YouTube चलाती भी है या नहीं, क्योंकि मेरे ग्रुप में जिस भी लड़की को लिंक भेजता हूँ तो वो कहती है वीडियो सेंड कर दे, मैं YouTube नहीं चला सकती, डाटा कम है, स्लो स्पीड 2G। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं वो प्लीज़ कमेंट बिलो, सो लेट मी नो द ट्रूथ, हाउ मैनी ऑफ यू आर ऑनलाइन। और सबसे दरखास्त है कि यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। हाँ हाँ, ये सच बात है कि ये
एक रिलेशनशिप चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में हम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये इंसान मुझे अपनी सारी बातें बताता होगा और मैं भी इसको अपनी सारी बातें बताता हूँ। लेकिन अगर ऐसे में मैं आपको कहूँ कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से और एक वाइफ अपने हस्बैंड तक से बहुत सारी बातें छिपा कर रखती है, चाहे कितना ही ज़्यादा प्यार और कितना ही ज़्यादा ट्रस्ट क्यों ना हो, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनका छिपाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो सीक्रेट्स नहीं रहे, अगर बता दिए गए, तो भूकंप आ जाने वाला है, पूरा रिलेशनशिप हिल जाने वाला है। क्यों? वो आप समझ जाएंगे। तो कौन कौन सी वो सीक्रेट्स हैं, वो बातें हैं जो कि गर्लफ्रेंड और एक वाइफ अपने हस्बैंड और अपने बॉयफ्रेंड से छिपा कर रखती है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला सीक्रेट जो होता है वो उनके पास्ट रिलेशनशिप्स का होता है। एक गर्लफ्रेंड कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से अपने एक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगी, और एक वाइफ तो बिल्कुल ही नहीं बताएगी कि शादी से पहले मेरे कितने पास्ट रिलेशनशिप से थे, वो कैसे चल रहे थे, हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। और ये बातें छिपाना ज़रूरी भी हो जाती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बॉयफ्रेंड और हर एक हस्बैंड इन बातों को समझ पाए। ऐसे में इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं जो बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स होते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि इसने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, पास्ट का प्रेजेंट से भला कुछ ज़्यादा लेना देना होता है क्या? नहीं होता। लेकिन फिर भी हम माइंड कर जाते हैं, इसीलिए जो लड़कियाँ होती हैं, जो वीमेन होती हैं, वो इन चीज़ों को छुपा कर रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बातें अगर सामने आ गई तो शायद हलबली और खलबली मच जाने वाली, तो नहीं बताती। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना बताएगी कि हाँ, मेरे कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स थे लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ कुछ मेरे एक्स थे लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो उसके पीछे के राज नहीं बताएगी कि कैसे क्या था, कितने क्लोज हम थे, वो मेरे लिए क्या करता था, मैं उसके लिए क्या करती थी। ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहता है, कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताने वाला। और इससे ही जुड़ा है हमारा सेकंड सीक्रेट, वो ये कि वो अभी भी अपने एक्स को या वो अभी भी अपने जो पास्ट रिलेशनशिप में जो उसका बॉयफ्रेंड था शादी से पहले, उसको अभी भी कभी कभी मिस करती है। जी हाँ, ये आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी जो वाइफ है वो कभी आपको नहीं बताएगी, और बताना नहीं भी चाहिए। सोचो आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहे कि जो मेरा एक्स है आज मुझे उसकी याद आ गई, वो मेरे सपने में आया, मुझे अभी कभी कभी उसकी याद आ जाती है, तो क्या ये आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। आप चिल्ला उठेंगे, आप इनसिक्योर फील करेंगे, आप उसको डांटने लग जाएंगे, उसको बोलेंगे तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तुम उससे प्यार नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है जो कि गर्लफ्रेंड्स को अच्छी तरह पता होता है। कुछ वाइफ्स भी होती हैं जिनको पता होता है कि मैं अपने हस्बैंड से बातें सीक्रेटली, जो मेरे सीक्रेट्स हैं उनको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बताना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी वाइफ कुछ होती हैं जिनको अपने जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जो एक्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं शादी से पहले वाले, उनकी याद कभी कभी आ जाती है, उनको कभी देख लेती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो कभी कभी उनको प्यार वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। और ये सच है, ये कोई आपको नहीं बताएगा और बताना नहीं भी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन सीक्रेट तो सीक्रेट ही होता है। सीक्रेट नंबर 3 की जो लड़कियां होती हैं, वो प्रिटेंड करती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे प्यार करती हैं, बेहद लगाव है उन्हें, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, वो सिर्फ दिखावा करती हैं और ये उनका सीक्रेट होता है। वो कभी आपको नहीं बताएगी कि जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं उनमें ये खराबी मुझे लगती है, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, उनकी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी मम्मी बड़ी ऐसी हैं, तुम्हारे पापा बड़े वैसे, कभी नहीं बताएगी। वो दिखावा करते रह जाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, भले ही अच्छा ना लगता हो, भले उनसे बात करके उनका मूड ख़राब हो जाता हो, लेकिन वो कभी आपको ये चीज़ नहीं बताएगी। और ये फैक्ट है, ऐसा बहुत बार देखा गया रिसर्चेज में, खुद लड़कियाँ और खुद जो शादी के बाद जो होती है ना वेमेन, वो खुद बताती हैं कि ऐसा होता है कि मुझे मेरे जो हस्बैंड के जो मम्मी पापा हैं वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिखाना पड़ता है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनको बुरा लग जाएगा, तो पतिदेव नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं उनकी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बेहद लगाव है मुझे उनसे, वो तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं, वो तो बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, मेरे माँ बाप ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना कि प्यार ये करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, और ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको बता दिया गया तो जैसा मैंने आपको कहा, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। सीक्रेट नंबर 4, वो गॉसिप, वो चुगलियाँ जो कि वो अपने फ्रेंड्स में करती है या अपने फैमिली मेंबर्स से करती है। जैसे कि अगर किसी की शादी हो गई किसी लड़की की, ठीक है, तो उसके ससुराल वालों से जो उसकी गुपचुप बातें होती हैं, जो चुगलियाँ होती हैं, या जो उनके फ्रेंड्स के बीच जो चुगलियाँ होती हैं, और खासकर जो बेस्ट फ्रेंड के बीच जो चुगलियाँ होती हैं, वो कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो एक गर्लफ्रेंड तो कभी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड्स में क्या चुगलियाँ हो रही हैं, और खासकर अगर कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है तो उनके बीच वो जो बातें होती
होती हैं वो कभी आपको नहीं बताएगी, क्योंकि उन बातों में कई बार फ्लर्ट भी होते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि यार जो उसके फ्रेंड्स हैं वो फ्लर्ट करते रहें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड होते हुए किसी और लड़की से बात करते टाइम फ्लर्ट कर सकते हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर सकते हैं, तो कैसा नहीं हो सकता कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो जिस मेल फ्रेंड से बात करे वो भी उससे कुछ ऐसी वैसी बातें करते हों और हो सकता है करते होंगे ही होंगे, लेकिन वो आपको कभी ऐसा नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर ये चीज़ उसने बता दी तो बिल्कुल भूकंप आ जाएगा। और यही रीज़न होता है कि कई बार मैं बोलता हूँ कि रिलेशनशिप में पासवर्ड्स का एक्सचेंज करना ज़रूरी नहीं और नहीं करना चाहिए, इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। और अगर हम खुद दूध के धुले नहीं हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान भी ऐसा हो। तुम्हें पता है 95% जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो ये कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है फिर भी वो कोई और नई लड़की से उनका कुछ टाँका भिड़ना हो तो भिड़ा सकते हैं, अब टाइम पास वाला है ना। 95% लड़के ऐसे होते हैं जो कि कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले तो मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर हम खुद ऐसे हैं तो हम क्यों ये बिलीव करें या क्यों एक्सपेक्ट करें अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो किसी से ऐसी बातें ना करें, है ना। तो अगर हम खुद ऐसे हैं तो यार वो भी ऐसी हो सकती है, और ये राज राज ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये राज खुल गया ना उस दिन तबाही हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। सीक्रेट नंबर 5 कि जो उनकी सेक्स लाइफ है वो अच्छी नहीं है, वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है। रिलेशनशिप में तो तब भी ये चीज़ें चलती है, आजकल गर्लफ्रेंड सीधे मुंह पे बोल देती हैं यू आर नॉट दैट गुड, यू नो यू आर नॉट एज गुड एज माय एक्स, सो ये सीधे चीज़ें बोल देती हैं, लेकिन वाइफ कभी भी हस्बैंड को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जो हमारी मैरिड लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि उसमें ही कोई खराबी है, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता, या वो अपने को डिप्रेस्ड समझेगा, वो अपने आप को थोड़ा लो समझेगा, क्योंकि होता है ना मेल ईगो हर्ट हो जाता है। तो मेरे अनुसार रिलेशनशिप की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, लेकिन बात करें अगर मैरिड लाइफ की तो ये सारी चीज़ें खुल के डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें छिपा कर नहीं होता। अगर आप अपनी खुशियों को साइड में रख के, मैं ये वीमेन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, अगर आप ये अपने खुशियों को साइड में रख के अपने हस्बैंड को ये चीज़ें नहीं बताएंगे और तुम्हें लग रहा है कि हस्बैंड तो खुश है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम खुश नहीं हो रही हो तो वो भी खुश नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आपका इंटीमेट जो भी चीज़ें होती हैं उसके बाद आपको डिस्कस करना चाहिए कि क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, हम इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, हम क्या नया ट्राई कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो ये सारी डिस्कशन होना ज़रूरी है। हालांकि फ़र्ज़ होता है, मैन होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने वाइफ से ये सब पूछें, लेकिन अगर वो नहीं पूछें तो आप इनिशिएट कर सकते हैं इस टॉक को, है ना। तो कभी भी ऐसे पूछ सकते हैं आप अच्छे से, है ना। उसको ये मत फील करवाइए कि तुम ख़राब हो, उसको ये फील करवाइए कि हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, यू आर गुड बट यू कुड बी बेटर, तुम इससे भी अच्छे हो सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल सीक्रेट की जहाँ तक बात की जाए तो वाइव्स अपने जो हस्बैंड्स होते हैं उनसे छिपाती हैं कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। और नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अजीब सा सीक्रेट कि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड है उसको मैं लाइक करती हूँ। जी हाँ, ऐसा होता है। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है कि जो गर्लफ्रेंड है उसके बॉयफ्रेंड का जो फ्रेंड है ना वो बहुत ही हॉट लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हैंडसम लगता है, बहुत ही कूल लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, वो अट्रैक्शन फील करती है, लेकिन कभी वो इस चीज़ को कभी वो इस चीज़ को अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताएंगी। ऐसा होता है क्योंकि बता दिया तो फिर वही कह रहा हूँ ना, ये चीज़ बता दी तो फिर तो पूरा रिलेशनशिप गया, ख़त्म हो गया। तो जो बहुत ही बहुत चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही ओपन होते हैं, वही लोग डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को कि यार जो तेरा बंदा है ना, जो तेरा फ्रेंड है ना, बड़ा हॉट है यार। लेकिन ऐसा कईयों में ही होता है, दो चार में होता हुआ था होता होगा, और ये चीज़ें राज राज ही रहने चाहिए, क्योंकि ये होता है सीक्रेट क्रश सबके होते हैं। तो अगर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारी, अगर तुम मतलब एक्स्ट्रा रख सकते हो, तुम्हें उसकी जो फ्रेंड है पसंद आ सकती है तो उसे भी तुम्हारा फ्रेंड पसंद आ सकता है। लेकिन वही बात होता है ना कि गर्ल्स डिस्कस कर सकती हैं कि अपने भाई को पटवा दे, लेकिन बॉयज़ डिस्कस नहीं कर सकते कि अपनी बहन को पटवा दे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं और ये बदलने से भी नहीं बदलेंगी। जो भी है, ये कुछ सीक्रेट्स थे जो कि लड़कियाँ या जो शादी के बाद जो विमेन होती हैं वो अपने मैन से छिपा कर रखती हैं, अपने हस्बैंड से छिपा कर रखती हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें बतानी चाहिए जो मैंने डिस्कस आपसे करी, या आपको लगता है कि नहीं ये राज राज ही रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर सकते हैं वीडियो को लाइक, चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज ऑन कर देना, ऑल पे कर देना, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे और मेरे व्यूज बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच।